कहना चाहते हैं कि 2014 की बात तो अभी चर्चा हुई और सबको मालूम है, उसके पहले से इस प्रकार की बीमारी या बीमारी से मौत का सिलसिला चल रहा था, और इसके बारे में क्या कारण है इसको लेकर, जो भी इसके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग ओपिनियन। हमने अपने स्तर पर 2015 में एम्स पटना में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सारे एक्सपर्ट्स भी थे, और उस समय मैं उनकी बात सुन रहा था, अलग अलग व्यूज लोगों के थे। वो ये कह रहा था कि इसका जो सरयू नदी में वो आ रहा है, गोरखपुर में भी ये घटना घटती थी, गोरखपुर में सबसे पहले होती थी, उसके बाद ये मुजफ्फरपुर उसके आसपास के इलाकों में ये बात होती थी। तो उनका एक विचार था, दूसरे लोगों का कुछ और विचार था, अलग अलग विचार था। 3 घंटे तक हम बैठक में शामिल हुए थे और अंत में हमने यही अनुरोध किया था कि जो अलग अलग ओपिनियन है उसको उस समय बताया गया था, इसके बारे में रिपोर्ट्स यूएस में भेज करके वहां से भी कुछ जानकारी ली गई, लेकिन कोई व्यक्ति जो भी एक्सपर्ट थे, डॉक्टर्स थे, जो इलाज करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे, लेकिन फिर भी कोई एक मत नहीं था कि आखिर इसका क्या कारण है और क्या स्थिति है। तो उस समय हमने कहा था कि भाई जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके एक ज्वाइंट कमेटी बने और इस पर नए सिरे से लोग रिसर्च करें, अनुसंधान करें, स्टडी करें, और उसके बाद किसी नतीजे पर आए तो उसके हिसाब से लोगों के बीच में वो पूर्व में जो कार्रवाई करनी चाहिए की जाए। लेकिन एक बात हम लोगों ने पहले से ही कहा था कि इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन लाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो गर्मी होती है और वैसी स्थिति में ये बात आ जाती है, और यह नहीं कोई आज से नहीं, बहुत पहले से प्रचारित था, उस समय किसी ने यह भी कहा था, लेकिन वो बात लोगों ने कहा कि इससे इसका कोई संबंध नहीं, जो लीची की बात पूरी जगह कह दी जाती है। किसी ने कहा कि भाई बच्चा भूखा था, उसके घर के लोग उसी लीची का जो बगीचा है उसमें काम करते हैं, बच्चा को उस पर बैठा दिया, कोई अगर नीचे लीची गिरा हुआ है उसको खा लिया तो उसके कारण से भी, लेकिन ये किसी किसी का विचार था, ये नहीं कि यही कारण। तो अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ी बात है वो कहीं भी लोग ले जाए तो उनके पेट न ले जाए, इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया। अब यह एक संयोग की बात है और खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में कम घटना घटी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं घटी, और इस बार कुछ ज्यादा ही घटना घटी। तो इसने पूरे देश को और देश के बाहर के लोग भी इस बात को लेकर जरूर अब उसकी जानकारी लोगों को मिली है, तो सब तरफ से सचेत। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए और उन्होंने फिर एक टीम की संरचना की है और सब लोग इसके बारे में अध्ययन और एक एक चीज करेंगे। मैं तो उसके बारे में उन्होंने चर्चा कर दी, मैं 2-3 बात रखना चाहता हूं। जो कुछ भी हमने यहां चर्चा की या पहले की भी जो रिपोर्ट्स रहती थी और उसके बारे में, इसमें जो इसके विक्टिम है वो गरीब परिवार के, और आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, तो हमने ये उसी समय कहा था कि भाई इसके लिए हम लोग एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना चाहिए। और उसके अगले दिन फिर हम गए थे और अगले दिन जाकर जितने भी बच्चे वहां भर्ती थे और उनके साथ उनकी माँ या उनकी कोई गार्जियन, एक एक लोगों से बात की, और एक बेड पर 2 बच्चे, क्योंकि बेड्स की कमी थी, और उसके पहले ये जानकारी मिली कि वहां पीकू का मात्र BICU का 14 ही बेड है। तो उसी समय हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव है उनको हमने कहा कि भाई इससे काम नहीं चल सकता, इसकी संख्या को बढ़ा करके करना चाहिए। इन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और जो वहां जेल का वार्ड था, जेलर की जो जगह थी SKMCH में, उस जगह को हटा करके वहीं पर इन लोगों ने और ज्यादा BICU की संरचना की और तेजी से उस पर काम किया। और फिर जो अगले दिन जो इनको इनसे बात पहले हुई थी और एक दिन हमने समीक्षा किया और समीक्षा बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, अगले दिन जब हम लोग वहां पर गए और एक एक लोगों से हमने जो बातचीत की और सबका दृश्य देखा, बच्चियों का, तो हमने जो वहां देखा तो मुझको लगा कि ये गरीब परिवार के बच्चे हैं और बच्चियों की संख्या ज्यादा है, और हम सबसे पूछे कि आखिर हुआ क्या था,
और डॉक्टर्स भी बता रहे थे कब बीमार हुआ, कब आया और क्या हुआ, ये सारी बात वो लोग कर रहे थे। एक एक बात हमने देखा। तो वहां का दृश्य देखने के बाद जो मेरे मन में बात आई, और दूसरी बात है जब हम एसकेएमसीएच गए, हम तो पहली बार गए थे, ये फैक्ट है, उसके पहले हमको जाने का अवसर नहीं मिला। वहां इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का इलाज तो एक अलग हो रहा था, उसके लिए अलग जगह था, लेकिन बाकी लोग अपने इलाज के लिए जो एसकेएमसीएच जाते हैं, तो हमने देखा उनकी संख्या भी बहुत।